अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो बहुत बड़ा रीज़न इसमें ट्यूब्स का भी हो सकता है। और अगर आपने ट्यूब्स चेक करवा ली हैं और आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि आमतौर पर जब हम कहते हैं ना कि ट्यूब्स खुल जाएंगी या ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए ट्यूब्स खुलने का चांस ये होता है कि कोई इसमें इतना रेयर होता है कि अगर 1 लाख में से कोई एक पेशेंट ऐसा होता है जिसकी ट्यूब खुल सकती हैं, अदरवाइज़ बाकी जितने पेशेंट्स होते हैं अगर उनकी ट्यूब खोलने की कोशिश भी की जाए तो 1 से 2 माह में बंद हो जाती हैं, फिर आपको IVF करवाना पड़ता है। तो एक प्रोसीजर जो है जो ट्यूब खुलवाने वाला उस पर आप 1-1.5 लाख रुपया लगाते हैं, उसके बाद जब वो 2 माह के बाद बंद हो जाती है तो आप फिर अगेन IVF के ऊपर इतने पैसे लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट IVF कराना चाहिए, ट्यूब में खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वो खुलवाते हैं और वो अगेन बंद हो जाती हैं, जो कि ऑलरेडी सिर्फ एक बंदा है 1 लाख में जिसकी ट्यूब खुलेगी, तो इतना रेयर है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको डबल पैसे लगाने की ज़रूरत है। बाकी जिस तरह आपको तसल्ली होती है आप वो चीज़ फॉलो करें, जो मेरा मशवरा है वो इसमें यही है।